तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ट्रिक दोस्तों कि अगर आप अपने मोबाइल के रैम को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, आपका मोबाइल है जो हैंग ऊपर चलता है, स्लो चलता है, या फिर आपके रैम में मोबाइल की जो कमी है, अगर आप अपने मोबाइल के रैम को बूस्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के रैम को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। मैं आपको बिल्कुल सही 100% रियल ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है गाइस। तो मैं यहाँ पर जो है मोबाइल के सेटिंग में चले जाता हूँ और जैसे ही मोबाइल के सेटिंग में चले जाते हैं, आपको जो है यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है एडिशनल सेटिंग का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रैम बूस्ट का, तो इसको आपको इनेबल करना है। ये आपके ऑप होगा तो आप इसको इनेबल करें। अब जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद आपको बैक करना है। यहाँ से बैक करने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन जो है आपको दिखाया जाता है गाइज। अगर ये ऑप्शन आपके इनेबल नहीं हो तो आपको जो है अबाउट फोन में जाना है और यहाँ से आपको एंड्रॉयड मर तो यहाँ से आपको वर्जन पर 5 से 6 बार क्लिक करेंगे, आपके जो है डेवलपर ऑप्शन है जो इनेबल हो जाएगा। जैसे आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं, इनेबल करने के बाद आपको जो है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है मेमोरी का, तो सिंपली आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप मेमोरी पर क्लिक कर देते हैं, मेमोरी पर क्लिक करने के यहाँ पर मेरे को दिखाई देता है टोटल मेमोरी मेरी जो 8+5 GB, क्योंकि मैंने 5 GB रैम को जो है बड़ा रखा है और 8 GB मेरी पहले की है, तो मैंने 5 GB रैम को यहाँ पर इंक्रीज कराया, बढ़ाया। तो आप रैम को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रैम एक्सपेंशन, तो आपको इस पर जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है व्हेन एनर्जी स्टोरेज स्पेस इज अवेलेबल यू कैन यूज पार्ट ऑफ इट एक्सपेंड योर रैम, मतलब आप एक्सपेंड के रूप में अपने रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर भी ये आपके ऑफ होगा तो आप इसको इनेबल कर लेंगे। तो जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद यहाँ पर आता है एक्सपेंड बाई 2 GB, 3 GB, 5 GB। आप अपने मोबाइल में जो है रैम को कितने GB बढ़ा सकते हैं, 2 GB, 3 GB, 5 GB, आप जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपको इसको अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैं 5 GB रैम को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने ये कर रखा है। करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है द सेटिंग विल बी टेक इफेक्ट आफ्टर यू रिस्टार्ट योर फोन। आप अपने मोबाइल को जो है रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करने के बाद आपको जो अपने मोबाइल के रैम में जो इंक्रीज कर दी जाएगी, एक्सपेंड के रूप में बढ़ा दी जाएगी। तो आप अपने मोबाइल के रैम को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल जो है हैंग होता है तो आप अपने मोबाइल के रैम को ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।